हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइन मास्टर से रिलेटेड दो ट्रिक्स की। आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी टेक्स्ट में इन एंड आउट इफेक्ट कैसे लाते हैं, और दूसरा ट्रिक रहेगा कि हाउ टू ऐड शेडोज़ इन योर टेक्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मीडिया पर टैप करना है। मीडिया में जाके आप इमेज एसेट पर चले जाइए। यहाँ पर आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चाहें तो आप अपना वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एग्जांपल, तो इसलिए वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आप जितना इसको स्ट्रेच करेंगे ये वर्ड की ड्यूरेशन बनती जाएगी। तो अभी हम इसको फॉर एग्जांपल 12 सेकंड का कर लेते हैं। अब हमें इसमें टेक्स्ट जोड़ना है, तो लेयर पर जाइए। लेयर पर जाके टेक्स्ट को दबाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब टाइप कर दिया हमने। अब आप देखेंगे सब्सक्राइब हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर वाइट है यहाँ पे। तो वाइट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना फॉन्ट कलर डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक डाल दिया है, तो अब देखिए सब्सक्राइब दिखने लगा है। अब सब्सक्राइब में हमें उसको थोड़ा सा एनिमेशन देना है। तो पहले इसको सेंटर में अलाइन कर लीजिए। अब एनिमेशन देने के लिए क्या करना है, पहले मिनिमाइज़ कर दीजिए जहाँ तक आपको उसको करना हो। उसके बाद की पे जाइए, लेफ़्ट में जाइए, की पे इसको टैप करेंगे तो एनिमेशन का बॉक्स खुल जाएगा। इसमें जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है। आपको दिख भी रहा होगा एक माइनर सा गोला स्टार्टिंग में सब्सक्राइब टेक्स्ट के। फिर इसके बाद आपको जहां तक स्ट्रेच करना है, फॉर एग्जांपल हमें इसको 3 सेकेंड या 4 सेकेंड तक दिखाना है, तो वहाँ पर जाके हमें ये सर्कल प्लस का साइन है ये दबा देना है, और हमें हमारा टेक्स्ट कितना बड़ा दिखाना है एंड में वो हमें यहाँ पर करके शो करना है। इसको जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको बैक दबा देना है। अब ये सेलेक्ट हो चुका है। अब एक बार मैं आपको ओके रन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं सर, ये जो इफ़ेक्ट आया है इसको जूम इन इफ़ेक्ट कह सकते हैं, और इसको आप जूम इन इफ़ेक्ट कह सकते हैं, और इसी में आपको जूम आउट इफ़ेक्ट भी सेम प्रोसीजर से आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जूम आउट जूम इन इफ़ेक्ट फ्रेंड्स। अब सपोज़ आपको टेक्स्ट में शेडो यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करके जाना है शेडो ऑप्शन पे जो कि आउटलाइन के नीचे मिलेगा। इस पर आप टैप कीजिए और यहाँ से इनेबल कर दीजिए, तो ये आपके टेक्स्ट के नीचे शेडो आ गया। एनिमेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जैसा कि पावर डायरेक्टर में होता है कि हम डालते हैं तो इम्पैक्ट आता है, मगर इसमें शेडो करने में कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ से आप शेडो का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे रहने दीजिए उसे। डिस्टेंस, एंगल, स्प्रेड, साइज सब सिलेक्ट कर सकते हैं। स्प्रेड करेंगे तो शेडो थोड़ा ब्लर हो जाएगा, स्प्रेड करेंगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। एंगल से आप एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं शेडो का, और डिस्टेंस से कितने दूर पे शेडो दिखना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तभी हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर से हम शेडो का बैक बटन दबाएंगे और अब फिर से इसको प्ले करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, शेडो इफेक्ट हो चुका है। देखने में बहुत कूल लगता है, और जितना आपको टाइमलाइन स्ट्रेच करना है वहाँ तक आप इसे करिए। उसके बाद टाइमलाइन पे जाके ट्रिम सेलेक्ट करिए और ट्रिम राइट कर दीजिए, तो आपका अननेसेसरी पार्ट कट जाएगा। तो दोस्तों आगे भी ऐसी ट्रिक्स हम आपको सिखाते रहेंगे। तो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।